विधायक एवं जनपद अध्यक्ष ने 38 लाख की गौशाला का किया लोकार्पण। नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप, आप देख रहे हैं तखबरदान। विदिशा जिले के पठारी के कुरबाई विधायक एवं जनपद अध्यक्ष ने ग्राम पंचायत जाज पौन में 38 लाख रुपए की लागत से बनाई गई गौशाला का लोकार्पण किया, जिसमें प्रदेश एवं केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। आपको बता दें कि मंगलवार को कुरबाई विधायक हरि सिंह सप्रे और जनपद अध्यक्ष प्रेम नारायण तिवारी ने गौशाला का लोकार्पण किया। ग्राम पंचायत जाज पौन में 38 लाख रुपए की लागत से गौशाला का निर्माण किया गया है। विधायक हरि सिंह सप्रे ने संबोधित करते हुए कहा कि ग्राम जाज पौन में विद्युत संकट होने के कारण एक नवीन विद्युत ट्रांसफार्मर रखा जाएगा, जिससे ग्राम की विद्युत व्यवस्था दुरुस्त होगी। स्टाफ डैम से चोरी किए गए गेट को दोबारा लगवाने का आश्वासन दिया गया। इसी दौरान विधायक एवं जनपद अध्यक्ष ने प्रदेश और केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष हरिनेश यादव, सरपंच देवेंद्र सिंह ठाकुर, सरपंच सीमानथन सिंह ठाकुर, हरि सिंह राजपूत, राकेश सिंघई, अरुण सहेले, नेवी जैन सहित ग्रामवासी मौजूद रहे। अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हैं विदिशा पठारी से आशीष सहेले की रिपोर्ट। बने रहिए तक खबरदार न्यूज के साथ। विधिवत कन्याओं का रोड़ी तिलक लगाकर पूजन करते हुए विधायक जी और उनको कुछ राशि भेंट कर रहे हैं, उनके चरण वंदन कर रहे हैं। हमारे उद्घाटन समारोह में पधारे हमारे जनपद के यशस्वी अध्यक्ष तिवारी जी, हमारे पठारी लगभग सबसे बड़ी पंचायत है मेरे हिसाब से विधानसभा कुरबाई की, सरपंच साहब देवेंद्र गड़ी, हमारे वरिष्ठ नेता राकेश सिंघई जी और हमारे सागर से पधारे ने भैया जैन साहब, बल्ला सेठ जी बड़े भैया, अन्नाम सबके नंबर तो चार योजना है जी, 166 योजना है मुख्यमंत्री जी की। वास्तव में महाराज आपने सब बताया था गौशाला के मामले में, वास्तव में कल का दृश्य महाराज, मैं खुद कुलियों में से लेकर के गाँव तो 250 रुपया तो लगता नहीं है कि अगरबत्ती लगा दे के, वो कल युग के राजा है। आज मैं जो कुछ हूँ केवल टेढ़ी टांग वाले की देन है कि मैं जाऊँ निपली बना तो उससे खराब शराब किसी की नहीं हो सकती। अभी गौशाला बन गया, उद्घाटन हो गया, एक समिति बनाई गई हुई, क्या भाई समिति बन गई, वो समिति गौशाला की देखरेख करेगी, लेकिन उस गौ समिति पे अधिकार कुछ नहीं है, उसके लिए पैसे की व्यवस्था कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत जो सरकार देती है वो उसमें अकेला खर्च होता है, हम जन भागीदारी से उस गौशाला के लिए कुछ नहीं कर रहे। तो गर्मियों में हम कुछ भूसा जन भागीदारी किसानों से डलवा लें तो हम वो नहीं कर रहे, हम अभी बहुत सी ज्वार है ज्वार की कर भी डलवा लें तो हम उस गौ की सेवा कर सकते हैं, लेकिन अगर आज गाय